रवि सिंह हत्याकांड के मामले में पुलिस ने पूर्व जिला अध्यक्ष आरपी यादव की गिरफ्तारी की थी। गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ने लगा जब पुलिस अभिरक्षा में आरपी यादव को पुलिस लाइन लाया गया। उसके बाद पुलिस लाइन पहुंचे सपाइयों ने पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और वहीं आरपी यादव ने पुलिस अभिरक्षा में पुलिस प्रताड़ित कर रही है ऐसा आरोप लगाया। यहां तक कि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस उनका एनकाउंटर कर सकती है। सपा नेता ने कहा है कि अगर वह गुनाहगार हैं तो उन्हें जेल भेजा जाए और इस तरह से पुलिस द्वारा प्रताड़ित न किया जाए। अब आप भी सुनिए नेता आरपी यादव ने किस किस पर आरोप लगाए। आपका नाम? हमारा नाम तो नहीं है, सोमो ढाबा पे झगड़ा हुआ था और उसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट में जी। और तब से लगातार पुलिस हमको परेशान कर रही है और यहाँ के अमरेश चंद एक हैं, स्वैग टीम के प्रभारी हैं, उन्होंने इनकाउंटर की धमकी दी, माँ बहन की गाली दी परसों रात में। तब से लगातार पुलिस हमको परेशान कर रही है और न सोने दे रही है, न खाना खाने दे रही है। और दिनेश सिंह, यहाँ के जो MLC दिनेश सिंह हैं और आदित्य सिंह और भाजपा सरकार ARP यादव की हत्या कराने की कोशिश कर रही है, साजिश कर रही है। अगर मेरी हत्या होती है तो यहाँ के दिनेश सिंह MLC, आदित्य सिंह सदर MLA और अमरेश चंद त्रिपाठी जो स्वाइक टीम का प्रभारी है, ये जिम्मेदार होंगे। और कोई पर भैया नहीं, अभी आपको क्या कह के लाया गया यहाँ पे? कह के नहीं लाया गया है, उनका ये कहना है कि आप वहाँ थे, मैं वहाँ नहीं था, क्योंकि जहाँ घटना हुई है।